कर्नाटक चुनाव में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जहां सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 8 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। राहुल ने भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल उठाया, जबकि वह खुद वित्तीय अनियमितताओं के आरोपी बीजेपी नेताओं से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी यहाँ आते हैं और भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, जब नीरव मोदी जैसे नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, पहले नाम से जानते हैं, 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है, लेकिन वे मोदी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी डबल गेम खेलने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर मौन पीएम बोलती थी, वहीं अब कांग्रेस मोदी को मौन प्रधानमंत्री के तौर पर साबित करने के चक्कर में लगी हुई है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी को बोलते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं। उनका कहना है कि मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए वो खुद भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।